हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, एम्फीऑक्सिस में कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं? एम्फीऑक्सिस की बॉडी में, जैसा कि हमने जर्नल कैरेक्टर में भी डिस्कस किया था, वहाँ पे भी हमने पढ़ा था कि सिफेलोकोडेट की बॉडी में रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, स्पेशल ऑर्गन कोई प्रेजेंट नहीं होता। तो एम्फीऑक्सिस की बॉडी में फेरिंग्स, जो कि एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है, वो मॉडिफाइड होकर रेस्पिरेशन करने में हेल्प करता है गिल्स के थ्रू। किसके थ्रू? गिल्स के थ्रू। ओके स्टूडेंट्स, एम्फीऑक्सिस में बॉडी सरफेस के थ्रू भी गैसेस एक्सचेंज होती है, जो कि डिफ्यूजन प्रोसेस के अंडर होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स, गिल्स कैसे हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में? स्टूडेंट्स, वाटर में कौन कौन सी गैसेस होती है? टू मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के प्रेजेंट होते हैं, ये आपको मालूम है, और एक ऑक्सीजन का। तो जब वाटर इनके फेरिंग्स में एंटर करता है, तो जो ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट है, वो बॉडी पार्ट को सप्लाई कर दी जाती है, जो इनकी रेस्पिरेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और जो गिल्स होते हैं वो हाईली रिच होते हैं ब्लड से। तो ब्लड में जो डिसॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, वो बॉडी टिश्यू को दे दी जाती है। तो एम्फीऑक्सिस की बॉडी में रेस्पिरेशन में फेरिंजियल गिल्स हेल्प करते हैं, कोई पर्टिकुलर ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता। ओके, तो अब हम सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस करते हैं कि एम्फीऑक्सिस में सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स, हमने जर्नल कैरेक्टर में भी डिस्कस किया था कि एम्फीऑक्सिस में सर्कुलेशन किस टाइप से होता है, क्लोज टाइप से होता है। एम्फीऑक्सिस की बॉडी में कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होते, इसीलिए इनका जो ब्लड होता है वो कलरलेस होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स, ब्लड का फंक्शन क्या होता है किसी भी बॉडी में? ब्लड का फंक्शन होता है डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू तक फूड को पहुंचाना और वहां से एक्सक्रीटरी वेस्ट को रिमूव करना। ओके, तो एम्फीऑक्सिस की बॉडी में भी यही फंक्शन है ब्लड का, कि वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को फूड प्रोवाइड कराता है। ब्लड को पंप करने के लिए कॉर्डेट्स की जो बॉडी होती है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? हार्ट प्रेजेंट होता है। किस लिए? ब्लड की पंपिंग के लिए। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन सिफेलोकोडेट्स के जो एनिमल होते हैं, उनके अंदर हार्ट जो होता है वो एब्सेंट होता है। तो फिर यहाँ पे जो ब्लड की पंपिंग का काम करेगा वो कौन करेगा? तो एम्फीऑक्सिस की बॉडी में जो ब्लड वेसल्स होती है, उनकी जो वॉल होती है वो कॉन्ट्रैक्टाइल होती है। तो हार्ट की जगह अब ब्लड पंपिंग का काम ये कॉन्ट्रैक्टाइल वॉल करेंगी। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं। साइनस, वीनस, देन वेंट्रल एरोटा, देन डॉर्सल एरोटा, देन सब इंटेस्टाइनल वेन्स, देन हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, देन कार्डिनल वेन्स एंड पैराइटल वेन्स। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स, अब हम वन बाय वन इन ब्लड वेसल्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने एक फ्लो चार्ट है, जिसके थ्रू आपको समझ आएगा कि बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक ब्लड किस तरीके से जाता है। तो जो हमारी सबसे फर्स्ट वेन है, क्या है? साइनस वीनस, वो ब्लड को कलेक्ट करती है बॉडी के सभी पार्ट से और फिर वो ब्लड को सप्लाई कर देती है वेंट्रल एरोटा को। तो जो वेंट्रल एरोटा होता है, उसकी जो वॉल होती है वो काफ़ी थिक होती है और हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल होती है। ओके स्टूडेंट्स, और ये जो वॉल्स होती हैं, ये ब्लड को फ्लो करती है फेरिंग्स तक। तो फेरिंग्स में जो गिल बार प्रेजेंट होते हैं, उनको ब्लड सप्लाई कौन कराता है? यही वेंट्रल एरोटा थ्रू एफरेंट ब्रैकियल आर्टरीज। ओके, तो स्टूडेंट्स, हमने ये पहले भी डिस्कस किया था कि कितने टाइप की गिल बार प्रेजेंट होती है। टू टाइप की, फर्स्ट प्राइमरी गिल बार, सेकंड है सेकेंडरी गिल बार। तो जो सेकेंडरी गिल बार है, उसको ब्लड की सप्लाई प्राइमरी गिल बार के थ्रू ही हो जाती है।
तो इन दोनों गिलबार से ब्लड किसके थ्रू बाहर आएगा? एफरेंट ब्रैकियल वेसल्स के थ्रू। और फिर ये एफरेंट वेसल्स ब्लड को डॉर्सल आरोटा में सेंड कर देंगी। तो ये जो लेटरल डॉर्सल आरोटा है वो इनकी बॉडी में एंटीरियर हाफ पोर्शन में पेयर्ड वेसल्स के थ्रू ब्लड को सप्लाई करता है। मोस्टली ये वेसल्स फेरिंग्स की साइड में लाई करती हैं और यही वेसल्स ओरल हुड को भी ब्लड सप्लाई करती हैं। तो जब फेरिंग्स और ओरल हुड को ब्लड सप्लाई कर दिया गया तो वहाँ से इन प्योर ब्लड को कौन कलेक्ट करेगा? एफरेंट ब्रैकियल आर्टरीज। तो स्टूडेंट्स, बॉडी के एंटीरियर पार्ट तक तो ब्लड सप्लाई हो गया, अब बॉडी के पोस्टीरियर पार्ट तक ब्लड कैसे सप्लाई होगा? डॉर्सल आरोटा के थ्रू। ओके स्टूडेंट्स, जो कि कहाँ पे लाई करता है? नोटोकॉर्ड और इंटेस्टाइन के बीच में। और फेरिंग से लेकर कैजुअल रीजन तक जितनी भी ब्लड सप्लाई होती है वो इसी के थ्रू होती है। ये जो वेसल्स होती हैं ये आगे चलकर प्लेक्सिस बना लेती हैं। प्लेक्सिस क्या होता है? बहुत सारी वेसल्स का नेटवर्क होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये प्लेक्सिस नॉर्मली इंटेस्टाइन वॉल में देखने को मिलते हैं। अब यहाँ से ब्लड सब इंटेस्टाइन वेन्स के थ्रू कलेक्ट किया जाता है टेल रीजन से। वेन्स क्या करेंगी? इन प्योर ब्लड्स को कलेक्ट करेगी। कहाँ कहाँ से इन प्योर ब्लड को कलेक्ट करेंगी? टेल रीजन से और इंटेस्टाइन में जो प्लेक्सिस बने थे वहाँ से। और अब ये जो वेन्स हैं वो कहाँ एंटर करेंगी? ट्रंक रीजन में और हाइंड गट की वॉल के साथ प्लेक्सिस बनाएंगी। तो हाइंड गट में जो प्लेक्सिस बनेंगे वहाँ से जो ब्लड है वो किसके थ्रू कलेक्ट किया जाएगा? हिपेटिक पोर्ट्रल वेन के थ्रू। ओके, हिपेटिक पोर्ट्रल वेन्स अब कहाँ एंटर करेंगी? लीवर में। और लीवर से इनप्योर ब्लड को कलेक्ट करके ये वेन्स कहाँ ओपन होंगी? साइनस वीनस में। बॉडी के एंटीरियर पार्ट से ब्लड को कौन कलेक्ट करता है? कार्डिनल वेन्स। ये वेन्स लेटरली बॉडी वॉल के साथ लाई करती हैं और फिर गोनेड्स को ब्लड सप्लाई करती हैं और एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कार्डिनल वेन्स कंबाइंड होकर डक्टस क्वेरी बना लेते हैं और फिर डक्टस क्वेरी फाइनली साइनस वीनस में ओपन कर दी जाती है। तो जो ये साइनस वीनस वेसल्स होती है ये बॉडी के सभी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करती है। तो स्टूडेंट्स, अब हम एक डायग्राम से समझते हैं कि एम्फियोक्सिस में किस तरीके से ब्लड सर्कुलेट होता है। तो स्टूडेंट्स, डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा अभी जो हमने ब्लड वेसल्स डिस्कस की वो सभी ब्लड वेसल्स इसमें हैं। फेरिंग्स की नीचे की साइड आपको साइनस वीनस नज़र आ रहा होगा। इस डायग्राम में आपको एरो के थ्रू दिखाया गया है कि बॉडी में ब्लड सर्कुलेट किस किस तरीके से होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनकी बॉडी में प्लेक्सिस बनते हैं, तो यहाँ पर आपको इंटेस्टाइनल प्लेक्सिस जो है वो नज़र आ रहे होंगे। इंटेस्टाइनल प्लेक्सिस क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि जो प्लेक्सिस है वो इंटेस्टाइन के अंदर बन रहा है। प्लेक्सिस मीन्स नेटवर्क। तो वेसल्स का नेटवर्क जो इंटेस्टाइन में बने उसको इंटेस्टिनल प्लेक्सिस बोलते हैं। आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा एक साइड से आर्टरीज आ रही हैं और एक साइड से वेन्स आ रही हैं। तो ये वेसल्स कंबाइंड होकर क्या बनाती हैं? प्लेक्सिस बनाती हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी टाइप के प्लेक्सिस आपको लीवर में भी देखने को मिलते हैं जो हमने अभी हिपेटिक पोर्ट्रल सिस्टम के अंदर डिस्कस किया था। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये डायग्राम जो है आपको अच्छे से नोट डाउन करना है और अच्छे से इस डायग्राम को आपको लर्न करना है, क्योंकि एम्फियोक्सिस की बॉडी में किस तरीके से ब्लड जो है सर्कुलेट होता है वो इस डायग्राम से हमें बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। ओके,
तो स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक था एम्फियोक्सिस का रेस्पिरेटरी सिस्टम और ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, वो समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।